पनवेल महानगर पालिका और एमएससीडी के गैर जिम्मेदाराना रवैये से पनवेल के नागरिक खासा परेशान है। कचरे की समस्या हो, पानी की समस्या हो या फिर ड्रेनेज की समस्या, हर समस्या के चलते पनवेलकरों को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। लेकिन नमनपा को इससे कोई सरोकार है, न ही एमएससीबी के अधिकारियों को। और यही वजह है कि पनवेल फ्लाईओवर से सटे इंदिरा नगर झोपड़पट्टी में आग लगने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सदर घटना ही मागच्या वेळेस पण घडली होती, पण ज्या वेळेस घडली होती त्यावेळेस अशी भयंकर ही घटना घडली होती की जवळजवळ 7 ते 8 घरांचा नुकसान झालं। त्यात कोणाचं लग्नाची जी सोन्याची वगैरे काही अशी मूल्यवान वस्तू होती ती मागच्या वेळेस माझे पण 2 घरा जाळले गेल्या वर्षी, तर त्यांना मागच्या वेळेसही भरपाई काय भेटली नाही, त्यावेळेसही दुर्लक्ष करण्यात आला शासनातर्फे। आणि यावेळेसही जर त्यावेळेस लक्ष घातलं असता काळजीपूर्वक तर यावेळेस ही घटना परत एकदा घडली नसती। तर हे जो कनेक्शन आहे वायरचा तुम्ही बघू शकता, वायरेचा जो पूल आहे हा त्याच्यामुळे ही घटना घडली आहे। सोमवार को करीबन 5 बजे के दौरान इंदिरा नगर झोपड़पट्टी की एक झुग्गी में किसी अज्ञात कारणवश आग लग गई। जब कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सामने खड़े एक रिक्शा चालक को झोपड़पट्टी से धुआं उठता दिखाई दिया, तब उसने स्थानीय रहवासियों को इस बात की जानकारी दी। तब स्थानीय रहवासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान पनवेल मनपा दमकल विभाग एवं एमएससीबी के अधिकारियों को आग की जानकारी दी गई, परंतु स्थानीय रहवासियों की माने तो मनपा के अधिकारी एवं दमकल विभाग को आने में काफी समय लग गया। यहां तक कि खबर लिखे जाने तक एमएससीबी का कोई भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के गुस्से की आग और भड़क उठी। हालांकि इस दौरान वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनोद चौहान और उनकी टीम घटनास्थल पर दाखिल हुई थी, जिन्होंने स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पनवेल मनपा के विपक्षी नेता प्रीतम मात्रे के निजी सचिव रोहन गावन और शेकापक्ष के नेता अविनाश मकास तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और इस आग की जानकारी सभी सरकारी महकमे को दी गई, जिसके बाद पालिका और दमकल विभाग हरकत में आए और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस दौरान स्थानीय रहवासियों ने जो आप बीती बताई वो सुन कर देने वाली है। क्या कहा रहवासियों ने जरा गौर फरमाइए। नगर पालिकेला तरीपण किती अर्धा तास लागला याला, तरीपण आम्ही बालदीने पाणी मारत होतो, तरीपण ते आग काही विझत नाही, बिघडवले पण 10-15 मिनिटात आले असं आहे ते, कारण की लगेच तिथं शॉर्ट सर्किट आम्हाला पण लागा लागला, आम्ही बालडा फेकून दिला। ताबडतोब बोलतो तरी एमएससीबी वाले अजून आले नाही, एमएससीबी वाले कमिशन म्हणा अजून ना आले, बघा अजून ना आले। आम्ही त्यांना 7 फोन करतो, 4 वेळा फोन केला तरी शेवटी कोण आलेच नाही अजून, मग शेवटी आमच्यातल्या एका पोरेन जाऊन तिथनं कनेक्शन बंद केला। नगरसेवक तर पहिले येत नाही इकडे बघायला, इकडे नगरसेवक आता काय तिघा चौघा नगरसेवक आहेत। मतदान केलं हे भुजबळ आपलं अजून एक वैशाली वाघमारे बिनेदार 4-5 जण आहेत, ते बाथरूमचे पण हाल तुम्ही बघू शकता, 2-2 महिने ते बाथरूम बंद असतात, घाण असतात, तरी ते येत नाही इथं बघायला। गटाराची हालत बघा तुम्ही, गटारात कचरा टाकून टाकून गटाराची पण वाट लागलेली होती पार, तरी कोण न्यायला तयार नाही। आणि जर शॉर्ट सर्किट वारंवार घटना घडतं, तुम्ही सगळी लाईन बघितली त्या या पट्टा बघून, तुम्ही यो पट्टा बघून तो पट्टा बघितला की सगळे लाईन खाली झोंबलेली आहे। मी अत्यंत नागरिक आहे, या इथं आग लागली तरी मी आमच्या इथल्या स्थानिक नगरसेवक नसून प्रीतम दादा नगरसेवक यांच्या पियाला फोन लावला, ते इथं ताबडतोब पळत येऊन ते लोक घटनास्थळ गेले, आतमध्ये गेले, त्यांनी ताबडतोब समोरच्याला फोन लावला, नगरपालिकेला लावला, वायरमॅनला लावला, त्यांनी आम्हाला एवढी सरकार केली, पण इथले स्थानिक नगरसेवक असून कोण अजून कोण आला नाही, तुम्ही बघा सगळे जण दुर्लक्ष करतात। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केवल चुनाव के दौरान ही राजनेताओं को झोपड़पट्टी की याद आती है, या फिर चुनाव निपट जाने के बाद मतदाता जिए या मरे इस बात से कोई सरोकार नहीं होता।